नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्रम संसाधन विभाग का बड़ा फैसला, कौशल के आधार पर प्रदेश में होगा मजदूरों का वर्गीकरण, अब मजदूरों को मिल सकेगी उचित मजदूरी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज चर्चा होगी रामधारी सिंह दिनकर की। राष्ट्रवादी कवि से दिनकर लोगों के बीच थे प्रसिद्ध, कई प्रेरक कविताओं की कर चुके हैं रचना। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, दरभंगा में 25 सितंबर को लग रहा रोजगार मेला, 12वीं पास को मिलेगा मौका। आज से बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान हुआ शुरू, 25 सितंबर तक अभियान का होगा आयोजन। पीडीएस की दुकानों पर वंचितों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने का मिलेगा मौका। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया खुलासा, बिहार में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम के आदि हैं किशोर, ऑनलाइन गेम की वजह से कर्ज में डूब रहे बच्चे। पंत को लेकर भावुक हुए रोहित शर्मा, बांग्लादेश को हराने के बाद रोहित शर्मा ने की ऋषभ पंत की तारीफ, काफी कठिन समय से गुजरे हैं पंत। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL ने ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 356 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट salecareers.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ITI पास किया हो, तकनीशियन अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हो, वहीं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए BE या BTEC होना जरूरी है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में श्रम संसाधन विभाग मजदूरों का वर्गीकरण कौशल के आधार पर करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें उचित न्यूनतम मजदूरी दिलाना है। वर्तमान में राज्य में मजदूरों का कोई वर्गीकरण नहीं है, जिससे उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार मजदूरी नहीं मिल रही है। नए वर्गीकरण में मजदूरों को 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल मजदूर शामिल होंगे, जिससे मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप मजदूरी मिलेगी। 1 अक्टूबर से नई न्यूनतम मजदूरी दर लागू होगी, जिसमें अकुशल मजदूर को 410, अर्धकुशल को 436 रुपए, कुशल को 519 रुपए और अति कुशल को 634 रुपए दिए जाएंगे। निर्धारित मजदूरी का पालन नहीं करने वालों पर विभाग काम कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। रामधारी सिंह दिनकर का आज जन्मदिन है। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय में 23 सितंबर वर्ष 1908 में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक, कवि और निबंधकार थे। देश की स्वतंत्रता से पहले विद्रोही कवि और स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध काव्य में बारदोली, विजय संदेश, रेणुका, हुंकार, रसवंती जैसे कई प्रसिद्ध काव्य शामिल हैं। वहीं गद्य में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और निबंध संग्रह में उजली आग, साहित्यमुखी, विवाह की मुसीबतें, चेतना के शिखा जैसी कई प्रसिद्ध लेखनी हैं, जो आज भी दिनकर के लेखन का एहसास करवाती है। 24 अप्रैल वर्ष 1974 को यह हमें अलविदा कह गए। 23 से 25 सितंबर तक बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलेगा, जिसका लक्ष्य 3 दिनों में 10 लाख नए कार्ड बनाना है। इससे पहले 18 जुलाई से 7 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान में लगभग 61 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। इस बार कार्ड जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर बनाए जाएंगे। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा योजना के सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। आयुष्मान कार्ड से लाभुक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और राज्य में 956 अस्पताल इस योजना में शामिल है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है, जिसके कारण हर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस साल पर्यटक 4 सफारी रूटों पर बाघों का दीदार कर सकेंगे, जिनमें भवानीपुर चेक से नाका मंगुराहा, मंगुराहा से मानपुर और गोवर्धना से रघिया शामिल है। इन रूटों की सफाई की जा रही है और इसे टूर पैकेज में शामिल किया गया है। उप क्षेत्र निदेशक प्रदुमन गौरव के अनुसार कुल 80 वर्ग किलोमीटर सफारी रूट तैयार किया जा रहा है,
जिसमें सोलर आधारित वाटर पंप के पास से रास्ता गुजरेगा। इस साल पर्यटकों के लिए भवानीपुर चेक नाका भी खोला गया है, जहां बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। दरभंगा में बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। ये रोजगार मेला 25 सितंबर को दरभंगा के आईटीआई रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहरिया सराय के कार्यालय परिसर में आयोजित होगी। जॉब कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक चलेगा। इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। भाग लेने से पहले जरूरी है कि आप एनसीएस पोर्टल की वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सितंबर में गंगा किनारे के जिलों में बाढ़ से फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश सभी जिला कृषि अधिकारियों को दिया गया है। उन्हें पंचायतवार खाद्यान्न और बागवानी फसलों की क्षति का आकलन कर अगले 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। सचिव ने कहा है कि किसानों के खेतों में जाकर क्षति का आकलन किया जाए और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कृषि भवन मीठापुर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। इसके साथ ही प्रभावित जिलों के कृषि कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं, ताकि वे किसानों की मदद कर सकें। देश की प्रसिद्ध स्नैक्स कंपनी हल्दीराम बिहार में अपनी पहली उत्पादन इकाई शुरू करने जा रही है। इसके लिए बिहट्टा में 12 एकड़ भूमि आवंटित किए गए हैं, जहां कंपनी 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना से लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ विभिन्न प्रकार के स्नैक्स, नमकीन और मिठाइयों का उत्पादन करेगी। हल्दीराम का मुख्यालय नोएडा में है और इसकी अन्य इकाइयां नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर में स्थित है। बिहार में बियाडा के पास 85 औद्योगिक क्षेत्र हैं और बिहट्टा में कई कंपनियों ने पहले ही निवेश किया है। क्षेत्र में एयरपोर्ट का विकास भी चल रहा है, जिससे औद्योगिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा। बिहार बैटन में आज हम मधेपुरा जिले की जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। ये बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका इतिहास कुषाण वंश से जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर एक समय में मौर्य वंश का भी शासन रहा है। इस जिले में कई ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है मधेपुरा के गाँव का श्रीनगर में स्थित दो किले। ये किला राजा श्री देव के रहने के लिए था। किले के पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ दो विशाल कुंड भी हैं। इसके बाद है बसंतपुर, ये भी एक किला था लेकिन अब ये पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है। अब बात करते हैं विराटपुर की। ये गांव देवी चंडिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का संबंध महाभारत काल जितना पुराना माना जाता है। यदि आप कभी मधेपुरा जाते हैं तो इन स्थलों पर जा सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर में हजारों ट्रेनों का संचालन करता है, जो सीमांत इलाकों को महानगरों से जोड़ती है। इसे देश की जीवन रेखा भी मानी जाती है, क्योंकि हर दिन करोड़ों यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करना किफायती और सुविधाजनक है, लेकिन जनरल कोच में सफर करने के लिए टिकट लेना जरूरी है। बिना टिकट यात्रा करने पर पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना और यात्रा का पूरा किराया वसूला जा सकता है। कई बार टीटी यात्री से ज्यादा पैसे भी मांगते हैं। ऐसे मामलों में यात्रियों को रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जाती है। शिकायत के बाद जांच की जाएगी और अगर टीटी की गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में ऑनलाइन गेम खेलने वाले किशोरों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, जहां 78.65% बच्चे इस गतिविधि में लिप्त हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPRC के सर्वेक्षण में पता चला है कि 7 से 17 साल के बच्चे रोजाना 7 से 8 घंटे तक गेम खेलते हैं, खासकर रात के समय में। ऐसे गेम की वजह से 20% बच्चे स्कूल की परीक्षाएं छोड़ चुके हैं, जबकि 48% कर्ज में डूब चुके हैं। कर्ज चुकाने के लिए वे अपने सहपाठियों से पैसे उधार लेते हैं, जिससे गलत संगत में फंस जाते हैं। आयोग ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों को ऑनलाइन गेम के नुकसान के बारे में बताएं, उन्हें अकेला ना छोड़ें और बिना जरूरत के इंटरनेट का इस्तेमाल ना करने दें। साथ ही बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। बिहार से संबंध रखने वाले बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में गिना जाता है। हाल ही में इन्होंने मिर्जापुर 3 में कालीन भैया के रोल में प्रशंसा बटोरी और स्त्री 2 की सफलता को लेकर भी चर्चित रहे।
एनबीटी उत्सव में पंकज त्रिपाठी अपनी पत्नी और अपनी बेटी आसी के साथ नजर आए थे, जहां उनकी शालीनता ने लोगों का दिल जीत लिया। आसी की तुलना कई लोगों ने श्रद्धा कपूर से की और उनकी सादगी की प्रशंसा का विषय बनी। पंकज त्रिपाठी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें वो आसी को स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं। फैंस उनकी बेटी की खूबसूरती और पंकज त्रिपाठी की सरलता की तारीफ कर रहे हैं। पंकज ने OMG 2, स्त्री 2 और मिर्जापुर जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है और उनकी अगली फिल्म मेट्रो इन दिनों 29 नवंबर को रिलीज होगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 30 सितंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया में वेबसाइट पर जुलाई एडमिशन 2024 टैब पर क्लिक करें, ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम लिंक पर जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अपने पसंद के कोर्स का चयन करें, फीस जमा करें और कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट निकालें। आवश्यक डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर शैक्षणिक योग्यता के सभी दस्तावेज होने चाहिए। उम्मीदवारों से अपील की जाती है कि आवेदन के दौरान सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें। प्रदेश में कम बारिश के कारण गर्मी और उमस बढ़ गई है। मॉनसून अपने आखिरी कगार पर है, हालांकि एक बार फिर से मौसम के मिजाज में बदलाव हो सकता है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री और कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। लोक गायिका शारदा सिन्हा के पति ब्रजकिशोर सिन्हा का रविवार को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और घर में गिरने से सिर में चोट लगने के कारण उन्हें श्री साई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान वे वेंटिलेटर पर थे, लेकिन दो दिनों बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। शारदा सिन्हा के पुत्र ने उनके निधन की पुष्टि की। ब्रजकिशोर शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने 8 मई 2020 को अपनी शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी, जिसमें ब्रज ने शारदा के लिए गाना गाया था। शारदा ने अपने पति की हमेशा सराहना की, जिन्होंने उनके संगीत करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परिवार में गाने की अनुमति दिलाने की मदद की। बिहार के 6 जिलों के 191 किसान प्रदेश के बाद प्रशिक्षण और परिभ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इसके लिए कृषि मंत्री मंगल पांडे ने हरी झंडी दिखा दी है। कृषि मंत्री ने इस दौरान बताया कि ये सभी किसान आत्मा योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न संस्थानों में भेजे जा रहे हैं, जहां इन्हें प्रशिक्षण और जानकारियां दी जाएंगी। आगे कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे कृषक खेती के साथ ही बकरी पालन और मत्स्य पालन की नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे और उसके लिए जानकारी लेंगे। ये किसान जब प्रशिक्षित होकर बिहार आएंगे तो निश्चित तौर पर कई किसानों को इस तरह का प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, जिससे बिहार के किसानों को काफी लाभ होगा। भारत सरकार कई योजनाएं चलाकर नागरिकों की मदद करती है, जिनमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त राशन का प्रावधान शामिल है। राशन कार्ड धारकों को सिर्फ कम कीमत पर या मुफ्त राशन ही नहीं बल्कि कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। तो चलिए आज जानते हैं राशन कार्ड से मिलने वाले फायदों के बारे में। इसमें सबसे पहले है फसल बीमा, जिसमें किसान इसके जरिए फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ राशन कार्ड के जरिए कर सकते हैं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें घर बनाने में मदद मिलती है। श्रमिक कार्ड योजना, जिससे राशन कार्ड की मदद से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ मिलता है। फ्री सिलाई मशीन योजना, जिससे महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन मिलती है। किसान सम्मान निधि, जो किसानों को आर्थिक सहायता देती है। फ्री राशन योजना, जो घर के हर सदस्य को 5 किलो मुफ्त राशन देती है। राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल भारतीय नागरिक कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद ही इसका लाभ मिलता है। बच्चों के सही देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, लेकिन कई केंद्रों में ये गतिविधियां नहीं हो रही हैं। समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS निदेशालय ने 648 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान की है, जिनमें गतिविधियां नहीं हो रही। सीतामढ़ी में 3,940 केंद्रों में से 171 और सारण में 115 केंद्र सक्रिय नहीं है। इन केंद्रों की सेविकाओं को गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में कुल 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनकी ऑनलाइन निगरानी ICDS द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि हाजिरी के लिए आंगन ऐप का उपयोग किया जाता है।
नरकटियागंज के पुरुषोत्तमपुर थाना ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां भारत नेपाल सीमा पर एक कारोबारी को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती तेज की गई थी। पुलिस ने देखा कि 6 लोग नेपाल से आ रहे थे, जिसमें से एक के पास संदिग्ध सामान था। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो 5 लोग भाग गए, जबकि एक कारोबारी धनंजय ठाकुर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने 1524 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब और 60 लीटर चुलाई शराब बरामद किए हैं, जो कुल 517.2 लीटर शराब है। धनंजय के अलावे 5 अन्य अज्ञात तस्करों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। OTP और KYC फ्रॉड्स का खतरा बढ़ गया है, जिससे बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के CERT IN ने कुछ जरूरी टिप्स एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए साझा किए हैं। OTP फ्रॉड से बचने के लिए बैंक या अधिकृत कंपनियों के जैसे दिखने वाले टोल फ्री नंबर से आए कॉल्स को ना उठाएं। अनजान व्यक्तियों के साथ संवेदनशील जानकारी जैसे कार्ड डिटेल्स और OTP शेयर ना करें। कॉल या SMS आने वाले नंबर की पुष्टि करें। KYC फ्रॉड से बचने के लिए अनजान कॉल पर अपने व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी ना दें। बैंक कभी भी फोन पर OTP या कार्ड डिटेल्स नहीं मांगता है। तुरंत जानकारी मांगने वाले कॉल्स पर भरोसा ना करें। मैसेज और ईमेल में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों पर ध्यान दें। अनजान नंबर से आए लिंक्स पर क्लिक ना करें। भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में मात दे दिया है। इस मुकाबले के बाद रोहित शर्मा ने टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की है। ऋषभ पंत के दमदार वापसी पर रोहित शर्मा ने कहा है कि उसने काफी मुश्किल समय देखा और उससे लड़कर यहां आया है। उसने जिस तरह से इस मुश्किल समय में अपने आप को संभाला वो देखना शानदार है। उसने IPL में वापसी की, फिर वर्ल्ड कप खेला जो शानदार रहा। टेस्ट क्रिकेट वो फॉर्मेट है जिसे पंत काफी पसंद करता है। ऋषभ पंत को लेकर ऐसा कहते समय रोहित शर्मा थोड़े भावुक भी नजर आए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसाई के युद्ध में मराठा सेना को हराया था। आज के दिन वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक विधेयक सारदा कानून पारित हुआ था। आज के दिन वर्ष 1955 में पाकिस्तान ने बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। आज के दिन वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का आदेश जारी किया गया था। आज के दिन वर्ष 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारतीय उपग्रह ओसन SAT-2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए थे। आज के दिन वर्ष 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ये हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते थे। चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सरकार ने 2104.06 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। कम से कम 36 महीने इस मिशन को पूरा होने में लग सकता है। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 4 की इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी है और इसका आकार चंद्रयान 3 से 2 गुना होगा। चंद्रयान 4 को 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा और इसके मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में डॉक किया जाएगा। मिशन में 5 मॉड्यूल्स शामिल हैं, प्रोपल्शन, डिसेंडर, असेंडर, ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल। इसके अलावा गगनयान मिशन इस साल के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर अधिक जटिलताओं के साथ मिशन को सफल बनाना है। एक YouTube चैनल नेशन वर्क के वीडियो थंबनेल में भ्रामक दावा किया जा रहा है। इस दावे के तहत कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने PM पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह के दावों पर विश्वास करने से बचे, ऐसी खबरों को फॉरवर्ड ना करें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को लेकर लोगों को आगाह किया है, साथ ही ऐसे मैसेज को किसी से भी शेयर ना करने की अपील की है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में विश्व गेंडा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्विज, रॉक पेंटिंग और स्केच पेंटिंग प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने मेडल, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गेंडा प्रजनन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वर्गीय अशोक कुमार के परिजनों को भी सम्मानित किया गया और उनके बेटे को पशुपालक के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मंत्री ने टॉय ट्रेन की स्वीकृति की घोषणा की, जो चिड़ियाघर में 2025 में शुरू होगी। इस टॉय ट्रेन से 40 मिनट की यात्रा होगी। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने गेंडा को गोद लेने की जानकारी भी दी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी SBI,
ऑप्शन सी है DPIIT, ऑप्शन डी है नीति आयोग, इसका सही उत्तर है DPIIT। हाल ही में किसने भारतीय हल्के टैंक जोरावर के फील्ड फायरिंग परीक्षणों का पहला चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है BHEL, ऑप्शन सी है ISRO, ऑप्शन डी है IAF, इसका सही उत्तर है DRDO। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किस राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है अनिल कुमार, ऑप्शन बी है संतोष कश्यप, ऑप्शन सी है श्री देवानंद, ऑप्शन डी है संजय सिंह, इसका सही उत्तर है संतोष कश्यप। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है अंबिका कांत सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सत्यनारायण सिंह, इसका सही उत्तर है अंबिका कांत सिंह। हर दो वर्ष में विधान परिषद के कितने सदस्य बदले जाते हैं? ऑप्शन ए आधे, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 0, इसका सही उत्तर है 1/3। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है विनय कुमार, सुमन कुमार मिश्रा, नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, प्रदीप पंडित, दिवाकर कुमार, अंशु कुमारी, उमेश जायसवाल, सादुल्ला पालवी, धीरज कुमार शाह, संजीव कुमार, अब्दुल मनन, कस्तूरी शर्मा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, सिद्धार्थ, अनवर करीम खान, कमलावती कुमारी, गुनर शर्मा, शिव शक्ति, अविनाश मलिक, रिंकी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।